से रोड पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ नया वीडियो लेके, और आज एकदम फाइनल वीडियो है। आज शादी है और आज मैं अच्छे से एकदम दुल्हन का दिखाऊंगी आज के वीडियो पे। प्लीज आप सब वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज की शादी में जितना कुछ होता है सब रसम मैं आप सबसे शेयर करूंगी, जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए मैं एक एक करके दिखाना स्टार्ट करती हूँ। और आज की शादी की कुछ खास ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारा आवाज हो रहा है जिसके कारण मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। फ्रेंड्स, चलिए मैं दुल्हन का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाराती भी आ गए हैं और लड़की वालों की तरफ से बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। जैसे लड़की के पापा, चाचा, सब फ्रेंड्स, रिलेटिव सब मिलके लड़के वालों को यानी कि बारातियों का स्वागत किया जा रहा है और उनके साथ बहुत अच्छे लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है। फ्रेंड्स, इस शादी की एक ख़ास बात है कि ये जो शादी हो रहा है ये दो कल्चर एक हो रहा है, जैसे कि बंगाली और बिहारी। लड़के वालों की तरफ से जो लोग हैं ये सब बिहारी हैं और हमारी जो लड़की वाले हैं ये बंगाली है। तो यहाँ पे क्या है, बिहारी और बंगाली की शादी हो रहा है, मतलब दो कल्चर एक हो रहे हैं। तो इस शादी का ये सबसे ख़ास है और आप सबको मैं इसलिए ये वीडियो पूरा देखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि कैसे दो कल्चर, दो परिवार एक हो रहा है। इसे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे दो कल्चर की शादी हो रहा है। सब अपने अपना जो नियम है सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, सब कुछ नियम तौर तरीका सब कुछ अच्छे से सभी निभा रहे हैं। जैसे लड़के वाले उनके तरफ से उनका जो नियम है ये कर रहे हैं और हम जैसे लड़की वाले हैं तो हमारी तरफ से हमारी बंगाली कल्चर का जो भी नियम है हम वो सब कर रहे हैं। यहाँ पे दो कल्चर की शादी हो रहा है, दो कल्चर के लोग एक साथ मिलके एक हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं आप सबको ये ख़ास बात शादी के दिन ही बताना चाहती थी, जिसके कारण मैं आज फाइनल दिन आपको ये बोल रही हूँ। लड़का जो है, मतलब बाराती जो आए हैं ये बेगूसराय से आए हैं, बिहार के बेगूसराय से आए हैं, और लड़की वाले तो आप सबको पता ही है असम के सिलचर के हैं। तो ये दोनों अभी एक हो रहे हैं, दोनों परिवार एक हो रहे हैं, दो जगह एक हो रहा है, दो जगह के कल्चर एक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, और भी इस वीडियो में बहुत ख़ास ख़ास है जो आप वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, तो अभी हमारे दुल्हन के मम्मी, मौसी, चाची, जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोग अभी दूल्हे का स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद लड़के वालों का ये नियम है कि उनका एक मानपत्र जैसा रहता है जो उनको पढ़ के उनका स्वागत किया जाए। तो वीडियो को आप पूरा सुनिए तो आप समझ जाएंगे। जो अपने अमूल्य समय देकर निर्मित कुटिया को अपने चरण रस से पवित्र एवं मुखर किया है, उसके लिए आप सभी सज्जन समाज का सादर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्वागत है सभी बरातियों का जो रामगिरी ग्राम से आए हैं। स्वागत है उन बरातियों का जो वरवधुओं को आशीष देने आए हैं। मंडपर आपके शुभ आगमन एवं मधुर मिलन से हमारे आनंद और उत्साह का असीम संचार हो उठा है। हमारे कर्मण आकाश को स्पर्श करने
वातावरण में हम आपका तथा समस्त बरातियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सामंदी जी परिणय जीवन से जीवन का, आत्मा से आत्मा का, धर्म से धर्म का एवं संस्कृति से संस्कृति का अनंत संयोग होता है। परंपरा के इस महान कार्यों में आपका महान उदारता एवं मार्गदर्शन के लिए हम हमारे परिवार उपजन एवं परिजन चिर कृतज्ञ है। प्रिय वर्ष जीवन के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपके जीवन पुलकित हो उठे। आज से आपने हर सुख दुख में संगीता भी आपका साथ हो। आशा करते हैं कि परम मंगलमय ईश्वर के कृपा दृष्टि से आपका जीवन के हर कार्य में आप सफल रहें। अपने पुत्री आपको सौंपते हुए हम गर्व महसूस कर रहे हैं। आशा है अपने मार्गदर्शन से सबके साथ आपका परिवार को हमेशा खुश रहे। हमारे आदरणीय सौंदी जी को हम स्टेज में बुलाते हैं। मैं हूँ आपके बराबर में आ गए। आप ही नीचे लगे, आपको नीचे होना है। दिल में जा रहा जो भी बोलते हैं जहाँ पे दूल्हे को बैठाया गया है। तो यहाँ पे अभी दुल्हन आएगी, मतलब आ गई है। तो अभी यहाँ पे जो दुल्हन जो कर रही है, जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं उसी तरह ही अभी दूल्हे को दुल्हन पूजा करेगी। उनके चरणों पे जैसे हम पूजा करते हैं सेम वैसे ही किया जा रहा है। तो आप सब वीडियो पे देख ही रहे होंगे। और ये होने के बाद दुल्हन सात फेरे लगाएगी दूल्हे की, और दूल्हे की गले पे माला पहनाएगी, मतलब माला बदल होगा। अभी सात माला बदल होगा और लास्ट का जो माला रहता है वो दूल्हा दुल्हन को पहनाएगा। तो ये रस्म बहुत बड़ा होता है। और इसमें देखिए दूल्हे को सब लोग भगवान के रूप से मान रहे हैं, मानते भी हैं, और यहाँ पे दूल्हे का पूजा भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें बहुत कुछ ऐसा नया नया भी है जो आपको इस वीडियो के जरिए देखने को मिलेगा।
यहाँ पे लड़की वालों की तरफ से जो थोड़ा बहुत जलपान के लिए जो व्यवस्था किया गया है ये वही सब है। अभी यहाँ पे कन्यादान शुरू हो गया है और पहले दूल्हे के साथ दुल्हन के पापा का जो रस्म होता है वो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन को लाया जाएगा और दुल्हन का बिठा के उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों को मिला के फिर कन्यादान होगा। और ये रस्म जो है ये शादी के रात के लास्ट रस्म है जो अभी शुरू हो गया है, तो आप सब देखना जारी रखिए। शास्त्र ब्रह्मा विष्णु शंकर अश्विनी कुमार जी एवं विवाह ग्रंथि बंधन करा है एवं आज का अपना ग्रंथि बंधन आप लोग का ग्रंथि बांधा हो रहा है। आ ये ग्रंथि जन बहुत काल साइड हो सकती है बांधा निकाले हाथ में सवस्त्र अलंकार नम नम एटा भूल दे ओम एटा गंध पुष्पे एतस्मे सवस्त्र अलंकार नम भूल एत अद्भुत वाय प्रजापति नम अग्निदेवता अग्नि वृष्टि Thank you.
हमारा शादी का जो रस्म था वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो भी धीरे धीरे जाने लगे हैं। और फ्रेंड्स, मैं भी आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने जा रही हूँ। कल फिर नया वीडियो लेके मैं फिर से आप सबके सामने आऊँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।